यू ऑल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आज मैं जा रही हूँ जोई नेल्स और वहाँ पे मुझे कराने हैं अपने नेल्स चेंज, बिकॉज ये बढ़ गए हैं। मेरी नेल जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये बहुत जल्दी बढ़ गए हैं और अभी मुझे काफ़ी बड़े लग रहे हैं। मतलब ये निकले नहीं हुए तो एकदम परफेक्ट है, बट मुझे ये बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन बढ़ गए हैं। और ना ये वाला नेल जो है ना, ये इधर से ना निकल रहा है और ना इसमें मेरे जो बाल है वो इलज रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चेंज करा लेती हूँ, बिकॉज ये बड़े लग रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं छोटे नेल्स कराऊं, और आज मैं फर्स्ट टाइम कराऊंगी फेशियल, हाइड्रा फेशियल। सो देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। चलो, और मेरे साथ जा रहा है अमन और साक्षी। अभी हम निकल चुके हैं और यहाँ से अभी है थोड़ी देर, मतलब 45 मिनट्स का रास्ता। तो अभी जाते हैं और देखते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और अभी जस्ट आया और मैं कैब में सो गई थी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा लंबा ट्रैवल जब होता है तो मुझे नींद आने लगती है। तो कैब में सो गई थी और अमन भी सो गया था, बस साक्षी दे गई थी। जस्ट हम पहुँचने वाले थे, एक मिनट पहले मेरी आँख खुली और अभी मैं आ गई हूँ। और जो दीदी हैं यहाँ पे वो भी आई हुई हैं, तो वो आ जाएंगी, मैं उनसे बात करूँगी, फिर स्टार्ट होगा। तो गाइज मैं आई हूँ दीदी के पास और दीदी ने मुझे काफ़ी अच्छी सजेशन दी है फेस के लिए और हेयर के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं स्टार्ट कराती हूँ। नहीं, और भी बताया जाएगा इनके हेयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इन्होंने कब क्या करवाया था। 1 से 1.5 साल पहले जो कलर कराया था वो भी खराब हुआ है। अगर आप सोचे सिर्फ बॉटॉक्स कराना है, केराटिन, तो आपके लिए 00 है। ऐसे में हेयर फॉल हो रहा होगा, 2 से 4 इंच इतना आपका हेयर टूटता होगा। जब आप कॉम करते होगे तो आपका ये ही वाला हेयर टूटता है, ये वाला। वो क्यों टूट रहा है, वो आपकी वजह से टूट रहा है, बताया जाएगा अभी आपको। दीदी को सब पता चल गया और मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी तक। गाइस सबसे पहले नेल्स हो रहे हैं और अभी मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। मैं घर से ग्रोथ कराई थी, मैं सोच रही थी इस बार सिंपल कराऊंगी, छोटे नेल्स कराऊंगी। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही। मैंने दीदी को वो दिखाया जो मैं पसंद करके आई थी, तो दीदी बोल रही है बस सिंपल है, ये मत करा, कुछ और करा। मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि क्या कराऊँ, उधर बहुत सारे लगे हुए, मैंने काफ़ी सारे और भी देखे, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी पहले ये हो जाएगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मैं क्या करूँगी। इतना ज्यादा मैंने देखने के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ ये मैगनेट वाला कुछ है, कैटाई अभी जो नहीं चला है। फाइनली ये डिसाइड हुआ ये मैं लगा रही हूँ पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने पैरों पे भी करवाया और हाथों पे भी। बताना कैसा लग रहा है दोनों, हाथ दिखा। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि पैर का डार्क हो गया, बट ओके फर्स्ट टाइम है, बट अच्छा लग रहा है। आप भी बताना कैसा लग रहा है। नेल्स दिखा, पैंट गाइस पैंट पे गौर नहीं करना, गंदी हो गई, गंदी हो गई। ये बर्गर, मगर जब भी कुछ भी खा के आई बर्गर खा ली, अभी नेल्स। अच्छा, सो अभी जैसे मैंने बताया नेल्स तो मेरे हो चुके हैं, अभी है फेशियल का टाइम। और पहले दीदी ने मुझे बोला था कि हाइड्रा फेशियल, मतलब हाइड्रा फेशियल के लिए मैं यहाँ पे आई थी, बट अभी उन्होंने मुझे मेरी स्किन देखकर सजेस्ट किया है कि मुझे कौन सा फेशियल, फोटो फेशियल, बिकॉज मेरे जैसे स्किन पे काफ़ी सारे एक्ने वगैरह हैं, आप लोग देख सकते हो। तो वो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि फ़ोटो फेशियल कराओ, वो मुझे और कुछ भी सजेस्ट कर रहे थे, बट फिर मैंने सोचा अभी के यही करा लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी कभी मैं आऊँगी तभी मैं कराऊँगी। तो अभी फ़ोटो फेशियल मेरा होगा और देखते हैं कैसा होगा। फाइनली मेरा फोटो फेशियल हो गया है और इतना अच्छे से किया, बहुत ज्यादा अच्छे से सो गई थी, इसको उठाना पड़ा। हाँ। इतना रिलैक्स फील हो रहा था सच्ची में। होता क्या है कि हम अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि हमें हम भूल जाते हैं कि हमें अपने स्किन केयर कैसे करनी है। महीने में अगर आप एक बार अपने आप को मेंटली
और इसमें रिलैक्स नहीं करेंगे तो आप परेशान रहते हैं। अब आप हो गए फुल रिचार्ज, कैसे जाएं अपना काम करें, अपने रील्स बनवाएं। हाँ सो गाइस फाइनली नेल्स भी हो गए हैं और मेरा फोटो फेशियल भी हो गया और बहुत अच्छी सर्विसेज है इनके यहाँ की। आप भी प्लीज़ एक बार जरूर आना मेरे कहने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दीदी बहुत अच्छी है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और परौठा भी नहीं खाया है इसमें एकदम लगेगा ही नहीं आप कहीं बाहर आए, ऐसा लगेगा फैमिली में ही आए हो। वैसे आप लोग एक बार जरूर आना, मैं इनके डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन करूँगी, एड्रेस वगैरह नंबर। सो आप लोग जरूर आना, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं एकदम ऐसे बच्चे जैसा। तो यस गाइस बहुत अच्छा लगा आपके पास आके, थैंक यू। सो गाइस अब मेरा जाने का टाइम हो गया और मैं सुबह से यहीं पे थी इतना सारा, दीदी ने मुझे फेशियल वगैरह करा दिया। बहुत जल्दी आना है क्योंकि अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप किया है। अभी एक स्किन को हमने सेमी परमानेंट काम से अभी ओके ओके किया है, जो आज हमने काम किया बेटर है, बट जो बेस्ट है वो अभी एक दो तीन ट्रीटमेंट आपके और होने चाहिए। उसके लिए आपको हर महीने में एटलीस्ट एक बार आना ही चाहिए ताकि ये और साफ हो और पसंद हो। ठीक है, जाती सो गाइस अभी हमने दवाई लेने गई है अंदर और मैं बाहर बैठी हूँ। उसने बोला तू मेरा टेक ले ले, तुमको बता दे ये देखो मजाक बना लिया, मजाक के बिल्कुल। अभी घर पे आई हूँ और घर पे आके मेरे को ये देखने को मिला है, इसने पता नहीं ये कौन सा हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करी थी और इसने अपने सारे बाल अपने कंधे पे फंसा लिए। चेहरा तो दिखा दे इसका एक बार, देख ले इसकी हरकत। अब ये काटने पड़ेंगे तेरे को, तेरे इतने बाल उड़ेंगे यहाँ से, गंजी हो जाएगी ये। गाइज इसके बाल नहीं निकल रहा है, मुझे लग रहा है अब इसके बाल शायद कटेंगे ही क्योंकि बहुत गंदी तरीके से इसने फंसा लिया ये। अरे यार ये बहुत बुरी तरह से फंसे हैं, देखना चारों तरफ से मिठाई लग रही है। मैंने नहीं फंसाया, वो निकल ही नहीं, जो कोने कोने पे थे वही निकले। हाँ 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 हा, लिख लेंगे। गाइज ये रो रही है क्योंकि इसके बाल नहीं समझ आ रहे क्योंकि बहुत बुरी तरीके से अटक गए हैं, अब मुझे लग रहा है ये। सो यस गाइज रात को हम घर पे जैसे आ गए थे और आपने देखा जिया के बाल कैसे फंस गए थे, तो बहुत मुश्किल मतलब बहुत 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 मुश्किल से उसके बाल निकले और काटने नहीं पड़े, मतलब काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यस बस मैं ये व्लॉग इतना ही रखती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और मैं इसको सुबह एंड कर रही हूँ, सो आप बताना वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस।